सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आज का मजमून है सफाई, क्लास है 3 और सब्जेक्ट है उर्दू। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सफाई, खास अल्फाज, स्कूल, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, बेहतरीन, आज का खाना तो बेहतरीन था, हाजिरी, मेरी स्कूल में हाजिरी मुकम्मल होती है, इनाम, मुझे आज स्कूल से बेहतरीन हाजिरी पर इनाम मिला। ठीक, अब हम मजमून पढ़ते हैं। नूर और अहमद को आज स्कूल में बेहतरीन हाजिरी पर इनाम मिला। दोनों बच्चों ने पिछले साल स्कूल से एक दिन भी छुट्टी नहीं की थी और इस एक छुट्टी भी ना करने पर उन्हें इनाम मिला। जमात में सब बच्चों ने नूर और अहमद से पूछा कि वो किस तरह रोज हाजिर होते हैं। क्लास में बच्चों ने नूर और अहमद से पूछा कि वो किस तरह रोज हाजिर होती हैं स्कूल में, उन्होंने कभी छुट्टी ही नहीं की, क्या वजह है इसकी। आए देखें नूर और अहमद ने इन्हें क्या बताया। क्या बताया उन्होंने? वो उन्होंने बताया, हम पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करते हैं, हम पीने का पानी उबाल कर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसको डांप कर रखते हैं। ठीक है, पहले पानी को उबाला, उसमें जो जरासीम थे वो खत्म हो गए, फिर उसको डांप कर रखते हैं और फिर उस पानी को पीते हैं। हम अपने घर और गली को साफ रखते हैं, हमारे घर के पास एक नाली थी, ये देखें एक नाली थी, हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर उसको ईंटों से डांप दिया है, ये नाली थी इसको ईंटों से डांप दिया गया है ताकि जरासीमों से हिफाजत हो सके। हमारे घर में अब्बू ने लैट्रीन बनवाई है, यानी कि वॉशरूम, हम सब उसका इस्तेमाल करते हैं और उसे साफ रखते हैं। हम लैट्रीन इस्तेमाल करने के बाद और खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोते हैं। देखा आपने क्या वजह थी कि उनकी हाजिरी बेहतरीन थी, कि वो पानी उबाल कर पीते हैं, पीने के बाद उस पानी को डांप देते हैं, अपने घर को साफ रखते हैं, घर के पास एक नाली थी जो कि गंदी होती है नाली, उसको उन्होंने ईंटों से डांप दिया था। ये सारी जो आदत हैं बहुत अच्छी आदत है, इन अच्छी आदत की वजह से उनकी सेहत अच्छी रहती है, वो बीमार नहीं होते। जब वो बीमार नहीं होते तो फिर उनको स्कूल से छुट्टी नहीं करनी पड़ती। जब वो सेहतमंद रहते हैं, बीमार नहीं होते, तो इस तरह वो रोज स्कूल जाते हैं और उसकी बिना पर उनको इनाम मिलता है। ठीक है, ये था आज का हमारा लेसन। हमें भी इस तरह की आदत को अपनाना है ताकि हमारी भी कोई भी स्कूल से या दफ्तर से छुट्टी ना हो।